हरियाणा और पंजाब विधानसभा का बुधवार को संयुक्त सत्र बुलाया गया था। ये सत्र गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में बुलाया गया था। इस मौके पर देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत सभी विधायक उपस्थित थे। समारोह की समाप्ति पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आए हुए अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री व अन्य नेताओं को उनके पद से संबोधित किया, लेकिन अपने पुराने दोस्त हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा को उनके नाम व पद से दो बार संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा व अन्य जनों को मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उनके पद से संबोधित किया गया। मन च कोई प्रकट कि नाल कला बना नहीं जोड़ा उन्होंने आप उन्होंने पैरों नहीं दे जोड़ा ज्ञापन नहीं दे उन्होंने आखा नाम जगो किरत करो मन छको नाल कोई आप जो प्रस्तना हो गए सरकार ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।